Welcome to Guru Krupa Industries, leading manufacturers of roll forming machine in Rajkot, Gujarat, India. एक कमाल का बिजनेस आइडिया के साथ मैं हाजिर हूँ आप सबके समक्ष। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, जिससे आप कोई वीडियो मिस ना करें। आज जो मैं आपसे बिजनेस डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही कमाल का बिजनेस है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे घरों में जिप्सम चैनल या सीलिंग चैनल का फ्रेम देखा होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो चैनल कैसे बनती है और कितना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है, कितना मशीनरी की जरूरत होती है, कितना मैन पावर लगेगा और कितना जगह लगेगा, कौन सा लाइसेंस लगेगा, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कमाल की बात, मैं अपने हर एक वीडियो में एक स्पेशल चीज जरूर आपको बताता हूँ कि आपको सेल कैसे करना है, वो स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ पर जाके आपको विजिट करें ताकि आपकी सेल्स अच्छी हो, तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट अगर मिस किया आपका लॉस हो सकता है। तो आइए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि हमारी सील्स बनती कैसे है। जिप्सम चैनल में टोटल चार टाइप के चैनल रहते हैं। पहला जिप्सम चैनल पट्टी, दूसरा जिप्सम इंटरसेक्शन, तीसरा पेरिमीटर चैनल और लास्ट में जिप्सम वॉल एंगल। ये चार चैनल पैनलिंग से होती है जिप्सम फ्रेम में। आइए हम जान लेते हैं कि जिप्सम चैनल पट्टी कैसे है। तो प्रोसेस ये रहा, तो दोस्तों यह मशीन आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जिसमें अभी आपको प्रोसेस दिखाया जा रहा है, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है। फर्दर पूरा डिटेल मिलेगा इस वीडियो में, तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो, आपको सारी डिटेल मिलेंगी, लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड भी। मशीनरी का आपको खरीदने का नंबर दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अब वहां से खरीद सकते हैं या आप ओपन मार्केट से भी मशीनरी खरीद सकते हैं। यहां पे दोस्तों आपको मशीन दिखाई दे रहा है, ये 4 इन 1 मशीन है, जिसमें आप टोटल 4 चैनल एक ही मशीन में बना सकते हो। आपको कोई रोलर या डाई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिप्सम की 4 चैनल आपको एक ही मशीन में बन जाएगी। ये यहाँ पर आप अभी देख रहे हो, रोलर से सीट पास हो रही है। ये रोलर को जिप्सम रोलर भी बोला जाता है। इन्हें आपको फीलर गेज की मदद से यहाँ पर सेट करना होता है। फीलर गेज जो होता है वो इन रोलर्स के बीच में भरा जाता है, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि आपका चैनल की थिकनेस कितनी रखनी है। ये सारे रोलर्स जो है ये प्रोफाइल देने के काम आते हैं। ये मशीन पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें आपको कोई ही चढ़ा देनी है, मशीन में ऑटोमेटिक फार्मिंग हो जाएगा और कटिंग भी अपने आप हो जाती है। वैसे मार्केट में जिप्सम चैनल की लंबाई 8 फीट और 12 फीट रनिंग होती है, जो इस मशीन में निकल जाएगा। मशीन का रोलर आप देख रहे हो, ये पूरा हाई स्पीड मटेरियल में बना रहता है। इसको ऊपर हार्डनिंग किया जाता है ताकि मशीन के रोल को 4 साल तक कोई डैमेज ना हो, और कटिंग डाई का मटेरियल WPS का रहेगा। उसमें एक मैनुअल मशीन भी आता है, जिसमें मैन पावर की जरूरत ज्यादा रहती है। ये वीडियो में आप देख रहे हो वह 4 चैनल वाला मशीन है, इसमें 3 चैनल वाला, 2 चैनल वाला और सिंगल चैनल वाला भी मशीन आता है। अगर आपको मशीन खरीदनी है तो आप गुरु कृपा इंडस्ट्रीज राजकोट से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसका मोबाइल नंबर 9601155559 है। यहाँ पर जो मशीनरी दिखाई जा रही है, इनके रेट वेरी कर सकते हैं, जो आपको वीडियो में बताए गए हैं। इसलिए आपको मेरी उचित राय है कि आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लें, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका रॉ मटेरियल क्या क्या होगा। रॉ मटेरियल आपका बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक GI, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसमें क्या होता है, जिंक की कोटिंग होती है सीट पर, तो वो सिल्वर कलर में चमकती रहती है और ये थोड़ी होती है रस्ट रेसिस्टेंस होती है। मतलब इसमें जंक आपका बहुत धीरे लगता है, क्योंकि अगर आप क्यों आयरन की सीट अगर डाल देंगे तो वहां पर डस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए कलर कोटिंग लगाई जाती है। इसमें भी रस्ट आएगा, लेकिन जब तक जिंक की कोटिंग पर बनी रहेंगी तब तक नहीं आएगा। तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी 10 साल तक होती है। ये मटेरियल में 2 टाइप के ग्रेड रहते हैं। एक प्राइम मटेरियल आता है, जो टाटा कंपनी या जिंदाल या फिर SR का रहता है, और दूसरा रनिंग मटेरियल रहता है। इसमें आपको साइनिंग थोड़ी कम रहती है,
ये चाइना का मटेरियल रहता है, वह थोड़ा सस्ता मिलता है। मटेरियल की रेट की बात करें तो अभी प्राइम मटेरियल का रेट 65 रुपीस पर किलोग्राम के हिसाब से मिलता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि आपको एरिया कितना जरूरत होगा, क्योंकि ये ज्यादातर वीडियो में आपको नहीं बताया जाता है। दोस्तों, मेरी आपको राय है कि आपके पास कम से कम 1000 स्क्वायर फीट एरिया जरूर हो, क्योंकि आपको मशीन भी लगानी है और आपकी जो सीट, आपका मतलब फिनिश गुड्स है, जो जिप्सम चैनल है, उनको शुरू करने के लिए भी आपको स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, तो 1000 फीट आपको एरिया सफिशियंट होगा। अब आइए बात कर लेते हैं मैन पावर की। मैन पावर आपको जो लगने वाली है, दो हेल्पर और एक आपको फिटर टाइप में आदमी चाहिए होगा, जो मशीन का सेटिंग कर सके और मशीन को ऑपरेट कर सके। अगर आपके फैक्ट्री में ओवरहेड क्रेन है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैनुअल क्रेन का यूज करना पड़ेगा। दूसरा जो आपको चीज बचती है, जो मैं अपने हर वीडियो में एक स्पेशल चीज बताता हूँ, वो ये है कि आपको सेल कहाँ करना है। सेल करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहा होता है, वहाँ आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो आपने सीट डीलर होते हैं और जितनी भी हार्डवेयर की शॉप रहती है, उनसे आप संपर्क कर लीजिए। आप ऑनलाइन भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज, जो कि है प्रॉफिट। आप अगर रिटेल में जिप्सम चैनल बेचते हो तो 30% से 50% तक मुनाफा कमाएंगे, और यही पर अगर आप होलसेल में बेचते हैं, यानी कि किसी डीलर्स को बेचते हैं, तो आप 20% से लेकर के 25% तक मुनाफा कमा पाएंगे। अब मशीनरी इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। जो मशीनरी मैंने आपको दिखाई है, वो पूरी ऑटोमेटिक मशीन है और वह आपको 8 से 9 लाख 50 हजार रुपए मिलेगी। आप इसमें और हल्की मशीन आती है जिसमें थोड़ा मैनुअल टाइप का होता है, वो मशीन भी आप परचेज कर सकते हैं। वहां आपको 7 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपको सिंगल चैनल वाला मशीन चाहिए तो वह आपको 4 लाख 50 हजार में भी मिल जाएगा। अगर आपके पास अच्छी पूंजी है तो ये बिजनेस बहुत ही कमाल का बिजनेस होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं लाइसेंस की। इसकी दोस्तों लाइसेंस के लिए आपको एकमात्र लेना होगा जीएसटी लाइसेंस। जीएसटी लाइसेंस लेकर के आप शुरू कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। उसके बाद आपको और भी रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, जैसे एनओसी वगैरह, जो नगर निगम से लेनी होता वो सारा कुछ आपको लेना पड़ेगा। अब आपको मशीन कहाँ से परचेज करनी है, आपके लिए पूरा मार्केट खुला हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छी मशीन मिले तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मशीन परचेज कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया मशीन डीलर का, तो सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे।